हेलो गाइस, आज हम पहली बार हिंदी में शूट कर रहे हैं, हिंदी में ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हिंदी वैसे हमारी बहुत ही ज़्यादा गंदी है क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है बाहर, मैंने सोचा आपको इस अच्छे मौसम में एक ब्यूटीफुल सी जगह दिखा देता हूँ। बट उससे पहले आप हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कीजिए, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि अगली वीडियो में पहले लड्डू गोपाल जी को लेना, फिर वीडियो शुरू करना। तो लीजिए, दर्शन कीजिए। सभी रेडियो के बाहर खड़े हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चलो बाहर चलते हैं अब। चले फ्रेंड्स, हाय नहीं, चले चलो चलो। हमें दोबारा घर आना पड़ा क्योंकि मुझे रास्ते में याद आया कि मुझे एटीएम से पैसे निकलवाने हैं, तो हम एटीएम कार्ड लेने दोबारा घर आए हैं, फिर पैसे निकलवा के फिर ब्लॉग बनाने चलेंगे। A few moments later. ये है हमारे दिल्ली वाले भैया, बहुत ही हैवी ड्राइवर है ये, स्कूटी का हाया भूसा बना के चलाते हैं। फाइनली फ्रेंड, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। चलो अब आपको दिखाते हैं यहाँ के सीन्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा, ये लकड़ी का पुल है, और जब हम इस पे जा रहे थे तो कैसे आवाज़ कर रहा था ये, कितना ज़्यादा शोर मचा रहा था। लेकिन आप देख सकते हो कि लकड़ी कितनी मज़बूत है, रोज़ पता नहीं कितने लोग जाते हैं इस पे से, तब भी टूटता नहीं है ये पुल। देखिए कितना सुंदर व्यू है। टूटेगा कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बना है, सीमेंट इसमें नहीं लगा है। व्यू देखिएगा इसके, इतना अच्छा है। वो देखिए अंकल आ रहे हैं एक, खतरनाक ड्राइविंग। हाँ जी, डाई मारनी, मारो छलांग मारो यहाँ से। कपड़े हैं नहीं बड़ा, तो वही दरिया है आया मैं। बोल रहे हैं नहाने का नज़ारा आएगा, डाई मारने का नज़ारा आएगा यहाँ से। छलांग बोल रहे नहीं, डाई मारनी है ना इसने, ये डाई मारेगा। क्या हुआ है या नहीं है? ये बहुत डूंगा है, ये गहरा है या नहीं है? ये बहुत गहरा है, डाई मार के देख ले तू। देखिए ये सुसाइड करने लगा। ओ नहीं नहीं, एडिट कौन करेगा मेरी वीडियो? इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ।
वैसे एक बार ये पुल टूट भी गया था, फिर वहाँ पीछे से रास्ता बनाया था आने के लिए। मैं आया भी था यहाँ पे, लेकिन फिर से अब ये रिपेयर कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। अब 4-5 साल हो गए इसको, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, लोग रोज आते जाते हैं। और वो देखो वहाँ पे ये लोग वीडियो बना रहे थे, उसके लिए कैमरामैन वंश कास्ट हीरो। तो वहाँ ब्रिज से हम नीचे आए, यहाँ से ये रास्ता है जो, और यहाँ पे ये पानी के अंदर जाने के लिए तैयार हो रहा है ये। आइए फ्रेंड्स, हम आपको पानी में लेके चलते हैं, ठंडा ठंडा पानी। अगर डूब गए तो याद आएगी नानी। आजा। तो आज आपको क्रिश मूवी का सीन दिखाते हैं, ऐसे ही मछली निकाल लेगा ये यहाँ से, पावर्स लेके आ रहा है अपने हाथ में। आ गया, कुछ तो आया यार। ये क्या? वाओ, कैसी मछली है ये। और निकाल, मेहनत। अब हम थोड़ा आगे जाने वाले हैं, आजा आजा। पानी का बड़ा बहुत तेज हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए पजामा ऊपर हो रहा है। ये देखिए, हो सकता है पजामा खोलना पड़े बाद में। पैंट गीली हो गई मेरी। अब ओ नहीं, ज्यादा ही पानी डाल रहा है। कोई बात नहीं, ये देखिए हम इतने डूब गए हैं पानी में। अगर हम आगे चले गए तो और भी ज़्यादा नुकसान है। ये हमारा फोन भी डूब सकता है, ये पानी हम भी डूब सकते हैं। ये हमारी पैंट गीली हो गई है। वाह वाह वाह। तो गाइस, हम अब चैलेंज लगाने वाले हैं, कौन पानी में पत्थर के साथ ज़्यादा टप्पे डालेगा। ये देखिए पत्थर इकट्ठा करते हुए, दो दो पत्थर मिलेंगे एक बंदे को, और देखते हैं कौन ज़्यादा टप्पे डालता है। तो पहली टर्न वंश की, चल काउंट करो, तीन तब चार, चार एक से चार, चल अगला चल ले दूसरा साथी। एक दो तीन चार आठ, आठ टोटल आठ। अगला नेक्स्ट टर्न गौरव की, एक दो तीन तीन, एक दो तो पांच, पांच गौरव के पांच, वंश के आठ। अब अभिषेक, एक दो, दो बस दो, एक दो तीन चार छः, पांच छः और आठ। दिल्ली वाले आने वाले हैं, ऑटोमेशन। एक दो तीन, ये डूब गए यहीं पे। एक दो पांच। अब मेरी बारी, तो चलो अब मेरी टर्न, देखते हैं मैं कितने टप्पे डालता हूँ। एक दो, दो दो चार टोटल, मैं हार गया। आज का विनर है वंश काले का, ये है विनर। और यहाँ पे है एक हेड पंप जो कि बहुत पुराना है, चलो इसको चला के देखते हैं चलता है या नहीं। चलाओ चलाओ चलाओ, खराब जबर लगा उद्दी चाहिए। तो ये खराब पंप है, वैसे पानी की तो कोई कमी नहीं है, पीछे सारा पानी 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 हो रखा है। पी भी सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैन वर्सेस वाइल्ड बियर गिल्स। तो आप देख सकते हैं ये रास्ते हैं जहाँ से लोग आते जाते हैं, कच्चे रास्ते हैं ये सारे कच्चे। एक ये है,
देखिए छोटा सा रास्ता है, लोगों के घरों को जाता है ये रास्ता। दूसरा दिखाता हूँ, ये देखिए ये दूसरा रास्ता है, किसी दूसरे गांव में जाता होगा ये। रास्ते दोनों ही कच्चे हैं, देख सकते हैं आप, साथ में सारा जंगल। ये देखिए यहाँ से जाते हैं लोग अपने घरों को। तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे छोटे छोटे ये रास्ते लोगों की कितनी मदद करते हैं, पिछले व्लॉग में भी मैंने दिखाया था कैसे टनल से लोग जाते हैं अपने गांव को। और ये देखिए रोज़ कितने सारे लोग यहां से आते जाते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं घर, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।